नमस्कार दर्शकों, आप सभी का स्वागत है चाय पे चर्चा अ सीजन टू अ टॉक शो बाय खुशबू से। ब्राइड के लिए ब्यूटीफुल दिखना, ब्यूटीफुल हेयर स्टाइल करना बहुत ही इम्पॉर्टेंट होता है उनकी वेडिंग डेज के लिए, और वो बहुत ही सोच के रखती है कि क्या थीम करूँ, क्या मेकअप करूँ, क्या ड्रेस करूँ। तो वो बहुत सारी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं। इसी बात को ध्यान में रखते हुए हम आपके सामने लेके आ रहे हैं हमारे दो नए गेस्ट, और वो गेस्ट है पिछले 10 ईयर्स से ये इंडस्ट्री में माहिर है, और वो एक ब्राइडल मेकअप और ब्राइडल हेयरडू करते हैं। तो आइए वेलकम करते हैं एसके ब्राइडल मेकओवर का जो चलाते हैं श्रद्धा जी और किनिता जी। श्रद्धा और किनिता जी, आपका स्वागत है हमारे शो पे। हाय हाय। और आपको कैसा लग रहा है हमारे शो में आके? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। यस, हमारे दर्शकों भी आपके बात करने के लिए बहुत ही उत्सुक है, उनको बहुत सारी जानकारी लेनी है आपसे, क्योंकि ब्राइडल एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट होता है, और एक बोले ना, एक वुमन को बहुत इच्छा होती है कि हम अपनी शादी में कैसे दिखे। तो श्रद्धा जी, आप बताइए कि आपने कभी ये मेकअप करना चालू किया, और आप कितने साल से ये फील्ड में है? मैं इस इंडस्ट्री में लास्ट 10 ईयर्स से हूँ। पहले से ही मुझे एक पैशन था कि मैं इस इंडस्ट्री में आऊँ। सो पहले से ही मुझे ऐसे शौक था कि मुझे किसी को तैयार होके देखना बहुत अच्छा लगता था, कुछ अलग ही ऐसा महसूस होता था। देन आई थॉट, मुझे ऐसे लगा कि मुझे इस फील्ड में जाना चाहिए। तो 10 साल इस फील्ड को हो गए, और धीरे धीरे बहुत अच्छा कर रहे हैं हम, और बहुत सारे टाइप्स के मेकअप भी करते हैं, जैसे सेलिब्रिटी मेकअप है, इंटरनेशनल मेकअप है, फिर फोटोशूट्स है, पेजेंट अवार्ड्स में करते हैं, फैशन शोज में करते हैं, और हमारी जो स्पेशलिटी है वो ब्राइडल मेकअप्स में है। बहुत अच्छी बात है। और हमारा एक सिग्नेचर लुक भी है, जो बहुत ही सॉफ्ट, सटल, एलिगेंट और रॉयल लुक है। आप जैसे हमारा पेज देखेंगे, हमारा काम देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि हम बहुत ही रॉयल और एलिगेंट लुक देते हैं, जिससे हमारी ब्राइड और सटल लुक की आपने बात की है। yes. तो यस दर्शकों, आप उनका इंस्टा पेज देखिएगा, और वो मैंने उनका देखा हुआ है, उनका काम देखा हुआ है, और जैसे उन्होंने बताया सटल लुक जो आजकल में ट्रेंड है, आप yes. सभी लोगों को लाउड मेकअप नहीं चाहिए, एकदम सटल जो अपने स्किन पे, अपने फेस पे बैठ जाए और बहुत ही बेहतरीन लगे, वो बहुत ही अच्छी बात है। और आप क्या नया नया आपके पास मेकअप में अवेलेबिलिटी है? मेकअप में बहुत सारे लुक्स होते हैं, जैसे फैशन मेकअप में बहुत सारे हम वैरायटीज से मेकअप कर सकते हैं। और मेकअप मतलब एक क्रिएटिविटी है। हाँ. जो हम, जैसे कोई भी ब्राइड होती है, तो जब वो हमारे पास होती है तभी हम अपनी क्रिएटिविटी उसमें दिखाते हैं। ओके. राइट। और जो सटल लुक होता है, जैसे आजकल कोई भी सेलिब्रिटी को आप देख सकते हो, वो सारे सटल लुक्स में जाते हैं, रॉयल लुक्स में जाते हैं, कोई भी लाउड मेकअप में नहीं जाता है, कोई लाउड लिपस्टिक्स नहीं लगाता है। दे आर वेरी सटल, वेरी रॉयल टाइप ऑफ लिपस्टिक्स एंड ऑल दैट, न्यूड लिपस्टिक, न्यूड आई शेडो, और वो ही अच्छा लगता है सबको। भले कोई भी ब्राइड हमें लेकर आए, मतलब फोटोज दिखाए कि हमको ये करना है, लेकिन जब हम उन्हें बताते हैं कि दिस इज द वे इट शुड बी, तो दे 100% गेट कन्विंस्ड कि नहीं, आप राइट बोल रहे हैं, एंड दे डू अकॉर्डिंगली, एंड दे रियली आर सेटिस्फाइड विद आवर वर्क। जैसे आपने बात की कि ब्राइड के साथ आप एक ट्रायल लेते होंगे, राइट? तो जब भी आप ट्रायल लेते होंगे तो आप डिस्कस करते होंगे ये चीज करनी है, वो चीज करनी है, लेकिन जब भी आप मेकअप करने जाते हो ब्राइडल का, तो उसमें कुछ डिफरेंस आता है, यू नो, क्योंकि आप एक आर्टिस्ट हो, मेकअप मेकअप पर्सन या हेयर पर्सन इज एन आर्टिस्ट, तो वो जब क्रिएट करता है yes. तो वर्क कुछ अलग या बेहतरीन कभी अपने विजन से भी बाहर चला जाता है। yes. so, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ कि हम ये चीज करना चाहते हैं, लेकिन ये बहुत ही बेहतरीन तरीके से yes. बाहर आई है। यस yes. जब भी वो ब्राइड ट्रायल पे आते हैं, तभी उनका स्किन प्रिपेयर नहीं होता है, वो आउटफिट में नहीं होते, उन्होंने ज्वेलरी नहीं वेयर की होती, तो उनको हम 50% लुक दिखा सकते हैं कि ये आपका 50% लुक है, लेकिन एक्चुअली जो डे होता है तभी कुछ और ही बाहर आता है। तो दे आर सो मच सेटिस्फाइड एंड दे आर सो हैप्पी इन द एंड, एंड टच वुड, इट इज टिल नाउ इट इज ऑलवेज गॉन द बेस्ट। इफ यू चूज अ करेक्ट मेकअप आर्टिस्ट, सो वो आपके फेस पे एक नया लुक 100% लेके आएगी, क्योंकि उनको एक नॉलेज रहता है, बैकग्राउंड रहता है, और हमेशा हमें एज एन क्लाइंट उनको ट्रस्ट करना चाहिए हमारे मेकअप आर्टिस्ट के ऊपर, कि जो वो जो करेंगे वो बेहतरीन करेंगे, बिकॉज उनको ज्यादा नॉलेज रहता है,
एंड वर्क फिर आपको अपने फोटोग्राफ्स में, अपने एल्बम में 100% दिखी जाता है। ओके निकिता जी, आपके लिए हमारा सवाल है कि आप ये इंडस्ट्री में कब से हो, बिकॉज आप हेयर स्टाइलिस्ट हो तो आप ब्राइडल के हेयर्स वगैरह हेयरडू करते होंगे, तो ब्राइडल्स के बहुत सारी लिस्ट होती होगी। बहुत, मैं भी इस इंडस्ट्री में लास्ट 10 ईयर्स से हूँ। हम दोनों ने हमारी कंपनी साथ में ही स्टार्ट की थी। सो वी आर वर्किंग टुगेदर। बट हाँ, ब्राइड्स के डिमांड्स तो बहुत होते हैं, उनको कन्विंस करना भी बहुत डिफिकल्ट होता है, टाइम हक होता है। आई नो रियली दे डू हैव दैट, बट अल्टीमेटली वो कन्विंस हो जाते हैं हमारी बात से कि हाँ भाई, आप जो बोल रहे हो सही है, बिकॉज हेयर इटसेल्फ इज अ वास्ट सब्जेक्ट, बहुत ही बड़ा सब्जेक्ट है, हेयर को समझना भी बहुत बड़ा काम है, और वो क्लाइंट के फेस पे कैसा दिखेगा वो भी इमेजिन करना बहुत बड़ा काम है। सो यू हैव लर्न फ्रॉम समवेयर? या आई हैव लर्न इंटरनेशनली, यहाँ इंडिया में से बहुत आर्टिस्टों के पास से सीखा है, फिर थोड़ा अपना क्रिएटिविटी है, सो डेफिनेटली दिस क्रिएशन इज एटमॉस्फेयर, आप कहीं से भी सीखते हो, बट व्हेन यू कम टू दिस फील्ड एंड आप अपना जो क्रिएट करते हो वो अलग ही हो जाता है। बेसिकली ये फील्ड ही क्रिएटिविटी की है, सो यू हैव टू कीप ऑन ट्राइंग थिंग्स एंड क्रिएटिंग थिंग्स। या न्यू हेयर स्टाइल कम्स ऑन, आती रहती है, इवन See, there is a constant change in the market. Because you cannot rely on one thing for more than 1 month. There is always a, मतलब हमेशा trends change होती जाती है। अभी आज ये buy, आज ये किया है तो कल तो कुछ और ही होएगा। So you have to be upgraded with your skills. And you have to be on point for the brides. So आप ये industry में हो, आपने इतनी सारी hairstyles करवाई है लोगों के, but which hairstyle you feel like के मैं ये bride पे कभी भी डालू या होता है ऐसा, बट इट्स अकॉर्डिंग टू द फेस टेक्सचर, अकॉर्डिंग टू योर हेयर टेक्सचर, मतलब हेयर स्टाइल मोर ओवर डिपेंड्स, वो ज्यादातर आपके फेस स्ट्रक्चर पे डिपेंड करता है। अगर फेस बल्जी है तो आपको हेयर से कटिंग देना पड़ता है, अगर फेस स्लिम है तो उसको बड़ा दिखाना पड़ता है, तो दिस ऑल गेम्स आर प्लेड विद द हेयर ऑल्सो। लोगों को लगता है सिर्फ मेकअप से ही होता है, नहीं, ये हेयर से भी होता है, हेयर भी इसमें बहुत बड़ा काम करता है। तो पर हाँ, अकॉर्डिंग टू मी, मेरे हिसाब से तो हर ब्राइड या साइडस पे स्लिक बन तो अच्छा लगता ही है, कुछ भी हो जाए। आजकल तो वो ट्रेंड में भी बहुत है स्लिक बन, तो डेफिनेटली दैट विल गो इन ईच एंड एवरी लुक। लोग ओपन कर्ल्स भी मांगते हैं, ओपन हेयर भी मांगते हैं। ओपन की आपने अच्छी बात हमारे सामने लेके आई, ओपन की बात करें तो नाउ वी हैव सीन इन इंस्टाग्राम एंड मेनी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म, पीपल वुड लव टू गो डू समथिंग हेयर स्टाइल इन ओपन। आजकल हाँ, आज का जनरेशन ये है ना, दे डोंट लाइक टू टाई देयर हेयर, सो बेसिकली ओपन हेयर ऑल्सो लुक्स गुड, बट एज फार एज द क्वेश्चन ऑफ ब्राइड, आई मीन लाइक नो, नाउअडेज ब्राइड भी जाती है, अभी ऐसा नहीं है कि नहीं जाती है, बट प्रेफरेबली वी विल फील के गो फॉर अ स्लीक बन, बिकॉज इन नियर फ्यूचर वो वापस बन तो नहीं करने वाले अपने शादी के सिवाय। हाँ हाँ, तो इट्स बेटर कि यू गो फॉर दैट एंड इट विल गिव अ एलिगेंट लुक, वो एकदम अच्छा, मतलब एक ब्राइड जैसा फील आ जाता है, हाँ वो इंडियन टच आ जाता है, वो ब्राइड जैसा फील आ जाता है, वो एकदम सटल रॉयल लुक दे देता है, वो जैसे उन्होंने बात किया कि हमारा सटल रॉयल लुक है, तो वो सटल रॉयल देने के लिए वो स्लीक बन थोड़ा उसमें मोर एनहांस कर देता है वो लुक को। वेरी नाइस। यू नो आप दोनों ये एसके आपकी ब्राइडल मेकओवर है, तो वो आप 10 ईयर्स से साथ में चला रहे हो, एंड यू डू लॉट्स ऑफ थिंग्स लाइक फैशन पेजेंट्री में करते हो काम, सेलिब्रिटी मेकअप्स को करते हो, ब्राइडल जो मेन सब्जेक्ट है मेकअप इंडस्ट्रीज में, तो वो आप करते हो, बहुत ही अच्छा है। आपका ये स्टूडियो मुंबई में रहेगा? या इट्स एट चन्नी रोड। सो श्रद्धा और किनिता जी, आप हमें ये बताइए कि मेकअप के अलावा आप उनको सिखाते भी हो? हाँ, यस, वी हैव आवर अकेडमी आल्सो, जहाँ पे हम लोग कोर्सेज करते हैं, लॉन्ग टर्म होते हैं, डिप्लोमा कोर्सेज होते हैं, शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, इवन 5 डेज के वर्कशॉप, 2 डेज के सेमिनार्स, सब होते हैं, जिसमें जो ऑलरेडी अपग्रेडेड, मतलब नहीं आता है पर उनको अपग्रेड होना है, तो वो 5 दिन का कोर्स करके पूरा अपना स्किल्स अपग्रेड कर सकते हैं, वो उसमें सीख सकते हैं सब। मेकअप हेयर दोनों का होता है अलग अलग, दोनों का साथ में भी होता है, जैसे उन लोग की कन्वीनियंस, जैसे उनको सीखना है, वैसे सेल्फ ग्रूमिंग,
सेल्फ ग्रूमिंग ऑल्सो विच इज़ वेरी नेसेसरी. आजकल बहुत नेसेसरी हो गया है सेल्फ ग्रूमिंग. जैसे कोई भी ऑफिस है, कॉर्पोरेट ऑफिस है, नॉर्मल फंक्शंस में जाना है तो मेकअप बहुत जरूरी हो गया है. सीने निकल सकते हो. और हम चलते हैं अपने रैपिड फायर राउंड की ओर. तो आप लोग रेडी है? मैं आपको एक क्वेश्चन पूछूंगी, उसके रिलेटेड जो पहला आंसर आपके दिमाग में आया तो यू हैव टू टेल दैट. ओके, तो पहला किनीता जी से. ओके, योर फेवरेट इंटरनेशनल हेयर स्टाइलिस्ट? जॉर्जी कॉट. योर हेयर स्टाइल फेवरेट? ओपन हेयर कर्ल्स. ओके, अभी श्रद्धा जी से. श्रद्धा जी, बॉबी ब्राउन फाउंडेशन. ओके, फेवरेट कंपनी विच यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट? मेकअप एटेलियर. सो दर्शकों, आपको एसके मेक ब्राइडल मेकओवर में आपको कुछ भी सीखना हो या आपके वेडिंग से रिलेटेड मेकओवर करना हो तो आप प्लीज कॉन्टेक्ट कीजिए किनीता जी को और श्रद्धा जी को, और उनके डिटेल्स हमारे डिस्क्रिप्शन में दी गई है. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस शो. थैंक यू. बाय.